अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। आज बाजुमा ख्वाजा हुसैन अतनूर साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दरगाह रोड का पूरा जायज़ा लेने के लिए और जितने दरगाह रोड पे 50 फीट की रोड पे जो वक्फ प्रॉपर्टी आ रहे हैं उसका तमाम दरगाह एरिया का जायज़ा लिए और उनको बुलाने का मकसद ये था हमारा कि यहाँ पे कुछ वक्फ बोर्ड के जो किराएदार हैं, जो वक्फ बोर्ड के जो ज़िम्मेदार हैं, जिसकी प्रॉपर्टी है, हम कॉरपोरेशन उनको नोटिस देने के बावजूद भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड ऑफिसर बोलने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड नज़रअंदाज कर रहे हैं वक्फ बोर्ड ऑफिसर उसको। तो आज हमको मजबूरन चेयरमैन साहब को बुलाकर दरगाह रोड का जायज़ा लेने लगाए और ये बताया उनको कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिसकी वजह से दरगाह रोड का काम रुका हुआ है। वहाँ के किराएदार जो वक्फ बोर्ड के हैं उनको नोटिस देने के बावजूद भी वो किराएदार खाली नहीं कर रहे हैं दुकान, और कॉरपोरेशन वाले जब तक वक्फ बोर्ड ऑफिस से वक्फ बोर्ड ऑफिसर वक्फ बोर्ड चेयरमैन नोटिस नहीं करेंगे, जब तक वो एक्वायर करने के लिए NOC नहीं देंगे, जब तक हम एक्वायर नहीं कर सकते बोलने की वजह से हम आज चेयरमैन साहब को बुला के तमाम दरगाह रोड के जो जो 50 फीट रोड में आ रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी उनका जायज़ा कर रहे हैं। और ख्वाजा हुसैन अतनूर साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन, मैं बहुत ही उम्मीदों से उनको ये बुलाया हूँ कि दरगाह रोड एक प्रॉपर्टी दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह के जो रोड पे जो इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है फिर भी यहाँ के लोग उसको बहुत ही नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड के ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है। ऑलरेडी 25 प्रॉपर्टी कवर करे हैं, एक दो प्रॉपर्टी ऐसे हैं वो प्रॉपर्टी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी को नज़रअंदाज करने के वजह समझ में नहीं है हमको। इसलिए आज हमको ख्वाजा हुसैन साहब से एक उम्मीद पे हम उनको बुलाए हैं कि वो कौम का जज्बा रखते हैं और वो हमको भरोसा दिलाए हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ पे जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी आ रहे हैं 50 फीट की रोड पे और दरगाह के सामने जो भी प्रॉपर्टी आ रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंडर में जो कॉरपोरेशन एक्वायर करना चाह रही है, हम उनको सपोर्ट करने का वादा करे हैं। मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ और इंशाअल्लाह ये काम जैसा ही होगा इंशाअल्लाह दरगाह का रोड बहुत जल्दी जो है ना काम स्टार्ट होगा और बहुत मुकम्मल होने के अनकरीब है। बस कुछ लोग नज़रअंदाज करने की वजह से हमको हर डिपार्टमेंट को हमको रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन को खुद जाना पड़ रहा, और जो भी किराएदार है मैं उनसे और एक बार अपील करता हूँ कि कानूनी शक्ल में अगर काम होगा तो बहुत यह होगा। आपसे अपील है कि आप भी जो है ना अपने जो भी प्रॉपर्टी आ रही है आप वहाँ पे दुकान खाली करें और वो जगह एक्वायर करने दें, ना कि जो है ना दरगाह रोड का काम रुका कर लोगों में मैसेज ये जा रहा है कि कॉरपोरेशन नहीं कर रही, यहाँ के ज़िम्मेदार नहीं कर रहे या काम लेट हो रहा। ये 50 ऐसे मसले हो रहे हैं लेकिन ऐसे प्रॉब्लम आने की वजह से जो है ना काम रुक रहे हैं। और ख्वाजा हुसैन साहब को वक्फ बोर्ड के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बनने पे खुशी में ये हमारा अखलाकन फ़र्ज़ था कि उनको यहाँ पे बुलाकर गुलपोशी करना। रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मैं बहुत बहुत उनको गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने पे मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ उनसे कि ये नेक काम करने के लिए हमारा सपोर्ट करें, ये दरगाह डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करें। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के जाने के लिए लोगों को जो आज तक तकलीफ़ें उठाना पड़ा है वो तकलीफ़ को देखते हुए ख्वाजा हुसैन साहब ने हमको वादा किया है कि यहाँ के जो भी काम होगा हम हमारे से जो हमारी पावर से जो काम हो सकता है हम पूरा उसको मुकम्मल तौर पर हम जिम्मेदारी से काम करेंगे, उनको वादा करें हैं और उम्मीद रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद हमारे जो रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन के सदर साहब नईम खान साहब ने मुझे बुलाकर यहाँ तुषार और गुरपोशी करके मुझे यहाँ सम्मान दिया, उनका बहुत बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और रही बात मुझे बुलाने की वजह यह थी, नईम खान साहब की जो मेहनत हो रही है यहाँ,
क्योंकि हर आदमी चाहता है कि डेवलपमेंट हो, वो डेवलपमेंट के सिलसिले में थी। और उसके अंदर एक ये जोड़ा जाता है कि भाई हमारे वर्क प्रॉपर्टी में उसके अंदर हैं थोड़े, वो वर्क प्रॉपर्टी हैं कम से कम 26 जो वर्क प्रॉपर्टी हैं, वो भी डेमोलिशन के कगार पर ठहरे हुए हैं अभी, कि रोड बाइंडिंग में जाने वाले हैं। वो ज़रा हमारे बोर्ड की तरफ से सपोर्ट नहीं बोलना नहीं मिल रहा बोल के उनको थोड़ा तकलीफ है। तो इंशाअल्लाह कानून के दायरे में जो भी आता है, मैंने कमिश्नर से भी सलाह मशवरा करूँगा, हमारे ऑफिसर से भी सलाह मशवरा करके लीगल जो भी होता है तो सलाह मशवरा करके जितना हो सके उतना डेवलपमेंट के हक में मैं भी हूँ। क्योंकि हमारा सिटी डेवलपमेंट होता है तो हमारे दरगाह को जो जाहिरीन आते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, भाई गुलबर्गा क्या से क्या हो गया। और हम पहले देखते थे वही रास्ते वही गलियां, चलने के लिए रास्ते नहीं है, ऑटो जो गुजरता है तो एक दूसरे को धक्का मार के चलता है। ये सब दूर होना हर एक चाहता है, नहीं बोल के नहीं है। कभी कभार कुछ मसले आके खड़ा होते हैं, वो मसले को कानून से हल करना पड़ता है। वो मैं इंशाल्लाह तो बहुत जल्दी, ये कानून के अड़चने नहीं है ऐसा, सलाह मशवरा ले हमारे ऑफिसरों से और लीगल एडवाइस का हमारे पास एक लीगल सेल है, वो सेल से भी सलाह मशवरा करके बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर तवज्जो दे के ये काम करने जो अड़चन आ रही है वो दूर करने की मैं कोशिश करता हूँ।